इस मॉड्यूल में हम रिसिप्ट वाउचर को समझेंगे। जब भी हमें किसी से कैश या चेक से पैसे मिलते हैं, उसे हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जनरली हमें कैश या चेक से दो चीजों के लिए पेमेंट मिलता है। सबसे पहला इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा, और दूसरा यदि हमने किसी को क्रेडिट या उधार पर गुड्स बेचे हो और ड्यू डेट पर वो पार्टी या कस्टमर हमें पैसा देता है बाय चेक या बाय कैश, उसे भी हम रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बट फ्रेंड्स, यदि हमने कैश सेल्स किया है तो वो हम रिसीव वाउचर या तो फिर सेल्स वाउचर दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर जैसे हमने कैश परचेस को पेमेंट की जगह परचेस वाउचर में रिकॉर्ड किया था, उसी तरीके से कैश सेल्स को भी हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में हम दो तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एक सेल्स इनवॉइस के सामने जो पेमेंट मिला वो, और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम के सामने पेमेंट मिला वो। नेक्स्ट सेक्शन में हम रिसिप्ट वाउचर के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कवर करेंगे।